चलिए बढ़ते आगे। दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस दुष्यंत चौटाला ने की। दुष्यंत चौटाला ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी जेजेपी, राज्यसभा उम्मीदवार का समर्थन करेगी जेजेपी अगर कांग्रेस राज्यसभा का अपना उम्मीदवार उतारती है, दुष्यंत चौटाला ने कहा। तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार का समर्थन करेगी जेजेपी। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि बीजेपी से गठबंधन करना जेजेपी की सबसे बड़ी भूल थी, और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भविष्य में बीजेपी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। अगर राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन जेजेपी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुष्यंत चौटाला ने सियासी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भूल बीजेपी के साथ गठबंधन करना था, लेकिन भविष्य में वो गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पिछले 20 दिनों का आंकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है कि इस बार का लोकसभा चुनाव दो ही चीजों पर रहा, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने काम किया कि मोदी हराओ मोदी जिताओ, और उसके अंदर पूरे देश भर में चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा। जहां अलायंस नहीं था वहां परिस्थितियां अलग रही। पिछले 20 दिनों का आंकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है कि इस बार का लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग है। मगर जनता को यह समझना पड़ेगा कि एक और पर संविधान बचाने की बात करेगी, एक और पर मोदी को हराने की बात करेगी, मगर दोनों पृष्ठभूमियों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जनता को धोखा दिया और उसका पर्दा दिन प्रतिदिन खुलता जा रहा है। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे, और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक हो जाना ये साफ करता है कि सांपनाथ और नागनाथ की दोनों की जो जोड़ी है वो देश में रीजनल ताकतों को कमजोर करने का